ये जीवन है, ये आनंद है। दाया वाला जीवन है और बाया वाला आनंद है। ए भाई, तू मेरा दिमाग मत सटका, मेरी खोपड़ी सटक रही है। अरे सुनिए भाई, एक मिनट भाई साहब, सुनिए भाई, सुनिए। अरे यार सुन मेरे बाप। ए, देखो मेरे चार बेटे हैं, उनमें से तुम नहीं हो, बाप क्यों बोल रहे हो? अरे 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 भाई भाई नहीं बोलना इधर मुझे, मैं यहाँ का भाई नहीं हूँ। बेकार में एनकाउंटर में मरवा डालोगे तुम। दोस्ती में कुछ पूछ सकता हूँ? दोस्ती अभी अभी मुलाकात हुई है, इतने में दोस्त बन गए, क्या बात करे। अरे यार इंसानियत से ज्यादा कोई किसी से कुछ पूछ सकता है कि नहीं? हाँ पूछो ना, पूछो। बाबू लोहार यहाँ कहाँ मिलेगा? बाबू लोहार मैं बताता हूँ, सुनो, तुम इस रास्ते से चले जाना, सीधे जाओगे ना तो एक दाहिने मुड़ना होगा, दाहिने मुड़ोगे वैसे बाएं तरफ एक दारू की दुकान मिलेगी, वहाँ पर मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर कैसे मिलेगा, वो दारू थोड़े पीता है, वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। वहाँ से तुम आगे चले जाना, आगे जाओगे एक चाचा की पान की दुकान मिलेगी, वहाँ मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं मिलेगा, दुकान बंद है, चाचा गाँव गया हुआ है। तो फिर ये लोहार मिलेगा कहाँ? ठीक है यहाँ से छोड़ दो, ये लंबा चक्कर है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओगे ना तो यहाँ बोलो, तुम यहाँ से चले जाओगे ना आधे किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा तुम्हें। उस पेड़ के नीचे ज्यादा देर नहीं ठहरना। भूत प्रेत वगैरह है क्या? नहीं नहीं नहीं, भूत प्रेत नहीं है, मैं निशानी के तौर पे बता रहा। अच्छा, उस पेड़ के बाएं तरफ से यूं 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 मुड़ते जाओगे ना, वहां तुम्हें एक अंधा मिलेगा, उसकी चश्मे की दुकान है। अंधे की चश्मे की दुकान? हाँ, अंधे की चश्मे की दुकान। हाँ, अरे क्या है, वो अंधा अभी अभी हुआ है, उसकी दुकान बहुत पुरानी है। तो वहां मिलेगा? नहीं, क्यों मिलेगा, बाबू लोहार की आंखें अच्छी है, वो वहां क्यों जाएगा। तुम उस दुकान को छोड़कर आगे चले जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, वहाँ एक पुरानी हवेली मिलेगी, उस हवेली के अंदर एक बुड्ढा मिलेगा। लेकिन बाबू लोहार नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, और उस बुड्ढे को पूछोगे कि बाबू लोहार तो भी नहीं बताएगा, वो नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा वो? क्योंकि वो बहरा है, सुनेगा नहीं तो कैसे बताएगा। भाई साहब मुझसे गुनाह हो गया कि मैंने आपसे पूछ लिया कि बाबू लोहार कहाँ रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, ये पीछे उसी का घर है। यहाँ रहता है? हाँ। यहाँ रहता है? जी। तो आपने मुझे यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ घुमा के क्यों मारा? मुझे पूछा कहाँ मिलेगा, कहाँ रहता है थोड़े पूछा। मेरे से गलती हो गई मेरे भाई। कोई बात नहीं, ये ले। हाँ? ये किस लिए? मेरी तरफ से चाय पी लीजिए आप। हाँ चाय के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से चलेंगे, यहाँ लेफ्ट साइड पर एक दुकान है, वहाँ बहुत। मैं चाय नहीं पीता मेरे बाप। ठीक है बेटे। बेटा मत बोलो। क्यों? मेरे बहुत से बाप है, लेकिन आप जैसा पकाओ बाप मैंने नहीं देखा। मैंने इसको पकाया? बाबा बाबा बाबा, इसकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, कोई पता बता दो, कहीं का भी पता बता दो। तो लड़की दिल्ली की रहने वाली है बरोबर। बाबा बाबा, देखा बाबा का कमाल, पैर पड़ो पैर पड़ो पैर पड़ो जल्दी से। तुम अंधेरीपुर के बाप, तुम्हें क्या अलग से एसएमएस करने भेजना पड़ेगा? सीधा भाई। फारूक भाई, वैसे तो मैंने बाहरी इस भाई को बता दिया था कि वो दिल्ली की। तो तेरा मतलब ये है कि इसने मुझे अंदर आके पहले ही बता दिया था कि लड़की दिल्ली की रहने वाली है? नहीं नहीं, तेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं यूं ही बाबा बन के यहाँ लोगों को फूतिया बनाने की दुकान खोल के बैठा हूँ मादर साहब। क्या बाबा, ये बाबा बाबा की गोद में बैठ के अंगूठा चूस ले, भूतनी के चले आते हैं टांग उठा के यहाँ पे। बाबा भाग, गालियों में बरकत है बाबा, इसको चार गाली और बको बाबा। ए पट पट। नहीं, तेरा मतलब ये है कि मैं अपने मुरीदों को बाहर भेज के पहले ही पब्लिक से इंक्वायरी करवा लेता हूँ, उनकी स्टोरी उनकी हिस्ट्री जान लेता हूँ, और फिर वही स्टोरी उनको सुना के भपका मारता हूँ उल्लू के पट्टे। नहीं नहीं, आई मीन, अबे अभी अमीन का नाम ले रहा, इसने तो उससे बात की थी कि अमीन से। मेरे से बाबा, अमीन तो आपके लिए खाना लेने गया है। बोल। नहीं नहीं, अमीन नहीं, आई मीन मतलब मेरा मतलब। अबे चुप बे भूतनी के, अमीन मतलब मेरा मतलब, इसका मतलब सब समझता हूँ तेरा मतलब। दाले तू मुझे उल्लू का पट्टा समझता है? हाँ भूतनी के मादरजात, झाड़ की खाल, झोलर बाबा समझता है मुझे। या बाबा तेरा काम हो गया, अब तुझे घर गर्मी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाबा क्या दुकान उठा के बार बार नीचे टेक रहा है जी? बाबा मैं इसे सही में गाली दे रहा हूँ।
बाबा गाली तो गाली होती है, आपकी गालियों में भी तासीर है। चाहे आप ऐसे दो, चाहे आप ऐसे दो, या बाबा बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। बाबा मैं तो कहता हूँ 10-15 गाली और दे दो, बेचारे सुबह से परेशान घूम रहे हैं, और 2-4 गाली में मेरे मुंह पे भी थूक दो ताकि मेरा काम हो जाए, अंधेरी पर जल्दी पहुंचाऊं। बाबा गाली दो बाबा, उठ उठ गाली दो बाबा, झोपड़ी के बाबा। अरे हमारी गाली देने से तुम लोगों का फायदा होता है तो खाओ गाली, हमारे बाप का क्या जाता है। अबे भूतनी के, अबे मादरजात, अबे भूतमारी के, अबे तेरे मुंह से अच्छी गधे की दुकान होती है वे। Stay tuned. We promise to keep you entertained. Do not forget to subscribe to our channel.